हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो ध्यान दीजिएगा, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ द नंबर्स दिस मच दिस मच दिस मच दिस मच यूजिंग द फैक्ट दैट सबका जो है टू पार्ट्स में जो मतलब कि दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये सारे नंबर्स आप देख रहे हैं 3375 ये 15 का क्यूब है और 729 9 का क्यूब है, इट मीन सारे जो हैं परफेक्ट क्यूब्स हैं, तो इनका क्यूब रूट निकालना आसान रहेगा। बस आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और प्राइम फैक्टर्स निकाल करके क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ओके, तो बस निकालना आपको क्यूब रूट यहाँ पर। चलिए सॉल्व करते हैं वन बाई वन। सॉल्यूशन फर्स्ट, क्यूब रूट ऑफ दिस वन मीन्स क्यूब रूट ऑफ निकालना है आपको 246035। तो यहाँ पर जो इक्वल दिया हुआ है इतना, इसकी मदद से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं और लिख सकते हैं 3375 मल्टीप्लाइड बाई 729। फिर इसको हम अलग अलग पहले कर सकते हैं और यदि आप अलग अलग करेंगे तो मिलेगा आपको 3375 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 729। ओके, तो यहाँ पर यदि हम फैक्टराइज करेंगे इसको तो मिलेगा हमें 15 थ्री टाइम्स, ये एक्चुअली 15 का क्यूब है, या फिर आप फैक्टराइज कर सकते हैं और जो प्राइम फैक्टर्स है 3 into 5 वो भी आप लिख सकते हैं, वैसे भी हो जाएगा। और इससे यदि आपको पता है कि इसमें ऐसे होता है तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 729 को लिख सकते हैं 9 into 9 into 9, क्योंकि आप जानते हैं कि ये 9 का क्यूब है, या फिर आप फैक्टराइज कर सकते हैं यहाँ पर और उसके फैक्टर्स को लिख करके आप ट्रिपल बना करके बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भी आप करें वो सही है तरीका। यहाँ 15 हो जाएगा आपका, 15 इंटू यहाँ हो जाएगा 9, 15 9 जाए क्या होता है 135, तो 135 आपका आंसर हो जाएगा फॉर द फर्स्ट पार्ट। ओके, तो सेकेंड पार्ट करते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2034641। तो हम पहले इसको लिख लेंगे दो फैक्टर्स के रूप में, मतलब कि 9261 मल्टीप्लाइड बाई 2197। आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो हैं परफेक्ट क्यूब्स हैं, तो आप इसको ब्रेक कर लेंगे अलग अलग, तो क्यूब रूट ऑफ हो जाएगा 9261 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 2197। अब यहाँ पर फैक्टर्स को लिख लेंगे फैक्टराइज करके। ठीक है, तो आप जब फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा इसके सारे फैक्टर्स मिलेंगे आपको 3 into 3 into 7 into 7 into 7 into क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे आपको मिलेगा 13 into 13 into 13। मीन्स ये 13 का क्यूब होता है और ये होता है 7321 का क्यूब होता है। ओके, तो अब यहाँ पर हम यदि बनाएंगे ट्रिपलेट तो हमारा आ जाएगा 3 into 7 मल्टीप्लाइड बाई 13, मीन्स ये हो जाएगा 7321 मल्टीप्लाइड बाई 13। 13 में जो 13 का 3 हो जाएगा 1 कैरी ओवर, 13 to 26 127 मीन्स 273 जो है क्यूब रूट है इस नंबर का, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, थर्ड वन सॉल्व करते हैं, तो यहां पर है 21064475 हमने यहां पर लिख लिया है। इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो इसको दो फैक्टर्स के फॉर्म में हम ब्रेक कर लेंगे, जो कि यहां पर दिया हुआ है हमारे दो फैक्टर्स। अब यहां पर हम इनको फैक्टराइज करके क्यूब रूट इनका अलग अलग निकाल लेंगे, तो इसका यदि फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें मिलेगा 5 3 times 5 into 5 into 5 into 7 into 7 into 7। तो आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको यही मिलेगा मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर कर लेंगे इसका फैक्टराइजेशन, तो यदि आप इसका करते हैं तो मिलेगा आपको 17 3 times 17 into 17 into 17 मीन्स 17 का ये क्यूब होता है। ओके, तो अब यहाँ पर ट्रिपलेट बना लेंगे, यहाँ 5 हो जाएगा 5 into 7 into 17, यहाँ हो जाएगा 5 7 35 मल्टीप्लाइड बाई 17
सेवनटीन फाइव जी 85 का 5 हो गया, 8 कैरी ओवर एंड 17 थ्री जा 51 एंड 859. सो आपका आंसर आ गया 595. दिस इज योर आंसर, मीन्स दिस इज क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर. ओके, तो फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं. यहाँ पर मैंने लिख लिया है 570 666 25. इसका निकालना है क्यूब रूट. तो हमने यहाँ पर जो दिया हुआ है फैक्टर्स इसके, तो हमने यहाँ पर इसको ब्रेक कर लिया. आफ्टर दैट यहाँ पर हम निकालेंगे इसका प्राइम फैक्टर के हेल्प से प्राइम फैक्टराइजेशन. तो इसके जो फैक्टर्स मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे 5 × 5 × 5 मल्टीप्लाइड बाई इलेवन. और इसका तो आप जानते ही हैं 7 का क्यूब होता है ये 7×7×7. यहाँ से 5 निकलेगा, 11 निकलेगा, 7 निकलेगा, तो ये हो जाएगा 5×11×7. तो पहले आप 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद 11 को मल्टीप्लाई करिएगा. तो 5×7 = 35, 35 and 11. तो 35 × 11 क्या करना है, 5 को रखिए, 5 3 ऐड करिए 8 हो जाएगा, और 3 को ऐसे रखिए 385 आएगा 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो. और ये आपका हो जाएगा आंसर फॉर दिस वन. ओके, सो ऐसे आप करके मतलब फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा आपको. मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन आपको दिखाया नहीं हूँ इस वीडियो में, लेकिन आप फैक्टराइज करेंगे तो आपको यही सारे मिलेंगे. ओके, और फैक्टराइज करना तो आप जानते ही हैं बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.